जी नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान, आप देख रहे हैं राइजिंग चुनाव पे। इस वक्त हम मौजूद हैं संगमवती में, जो कि मुगल लाइन के पास में है। यहाँ पे ट्रैफिक वालों ने एक नाका लगाया है, जिसमें सुबह से इन्होंने यहाँ पे नाका लगाया है। हमारे साथ क्या यहाँ पे ऑफिसर मौजूद हैं, और यहाँ पे जो अभी चालान कट रहे हैं कि बिना हेलमेट के जो बुज़ुर्ग एक थे यहाँ पे, इनको भी चालान हुआ, क्योंकि ये बिना हेलमेट के चल रहे थे। अभी तक तीन गाड़ियाँ जो आई थी, तीनों के पास अभी यहाँ पे हेलमेट नहीं था। इसी के साथ हम यहाँ पे ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि सर, जैसे कि अभी पूरे वर्ल्ड में ट्रैफिक, नितिन गडकरी जी का कहना यही है कि जो गाड़ी है, जैसे हेलमेट है, बेल्ट सीट है, लेकिन लोगों के अंदर इतना अवेयरनेस करने के बाद भी लोग इस रूल को फॉलो नहीं करते, तो क्या बात है? हमारी हिदायत है सबको कि सीट बेल्ट, हेलमेट वगैरह अपनी जान हिफाजत के लिए पहनाओ जी। अब बार बार बोलने के बाद भी ये लोग नहीं सुधरते हैं, क्योंकि यहाँ चादरों एरिया में है, ओवर लोडिंग भी हो रही है, ओवर लोडिंग पर भी हमें चालान करने पड़ते हैं, सीज भी करनी पड़ती है गाड़ियाँ। इसलिए हम वहाँ दूर एरिया है, इस चादरों एरिया में है, कम से कम 25 लिंक रोड है हमारे, तो हर रोज़ हम भी लिंक रोड पे नहीं पहुँच सकते। अभी हम एक स्टेशन पर जहाँ कि ये तमाम लिंक मिलते हैं, तो उन लिंकों पर हम गाड़ियों को चालान करते हैं, सवारी देखते हैं, 11+1 होने चाहिए, कभी अगर 11, 12, 15 हो तो हम उसी गाड़ी को सीज कर देते हैं। जैसे कि सर, सुबह से आप यहाँ पे मॉर्निंग से आए, तो कभी कितने चालान अभी तक आपने किए? कम से कम हमने हेलमेट के 3 चालान किए हैं, 3 मोटरसाइकिल वालों को चालान किया है, और 2-3 इको को जिनको ओवरलोड था उनको भी किया है, क्रूजरों को किया है, जो भी ट्रक वगैरह हैं उनको भी किया है। फिलहाल हमारा ये सिंथर रोड अभी आज के बर्फ़ शाम के बर्फ़ में बंद हुआ है, लिहाजा बड़े गाड़ियों को अभी हम नहीं छोड़ सकते हैं ऊपर। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे किराया है सर, बहुत सारी जगह पे जो किराया लॉकडाउन में था वही अभी चल रहा है, तो इसके लिए आपकी क्या मुहिम, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। अगर सिविल लोग हमें फरियाद करेंगे, हमें जी किराया ज़्यादा लिया है, उससे भी हम अपने सीनियर अफसर को बताएंगे सर। किराए की बात है डीसी साहब को, अगर डीसी साहब इसमें रेट लिस्ट दे देगा या आरटीओ साहब दे देगा, हम तो बार बार आरटीओ साहब बोलते हैं कि रेट लिस्ट दे दो सर, फी गाड़ी को रेट लिस्ट होनी चाहिए, इको को होनी चाहिए, क्रूज़र को होनी चाहिए, समो को होनी चाहिए सर, हर एक गाड़ी को रेट लिस्ट होनी चाहिए। अलबत्ता रेट लिस्ट इन्होंने नहीं दी है, ना ही ड्राइवर लगाते हैं रेट लिस्ट। जो ड्राइवर है, जो ड्राइवर का काम करते हैं या पर्सनल गाड़ियां चलाते हैं कोई, उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? पर्सनल गाड़ी भी हमने सीज़ की सर, जितने पर्सनल जम्मू नंबर की गाड़ियाँ थी, कोई भी पुरानी गाड़ी है, अल्टो है, इको है, या कोई भी है लाइट व्हीकल, जितनी गाड़ियां हैं 2-4 गाड़ी हमने सीज की है। जैसे किस बेस पे सीज हुई है इस बेस पर, कभी किसी गाड़ी को डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी को HSRP नहीं है, बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको हमने HSRP पर ज़्यादा सीज किया है। जैसे कि हमारे साथ तारा जान बात कर रहे थे कि ये सब ड्राइवरों के लिए यही पैगाम है, चाहे वो पैसेंजर गाड़ी हो या पर्सनल गाड़ी हो, कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिट रखें। जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, सब चीज़ रूल, जो ट्रैफिक के रूल फॉलो करेंगे, तो कोई आपको चालान नहीं कर सकता। देखते रहे राइजिंग चुनाव न्यूज़।